सो फाइनली मैंने फहद फाजिल की मलयालम फिल्म आवेशम देख ली। इसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी थी लेकिन अब तक देख नहीं पाया था। मैंने सोचा चलो टाइम मिलने पर देख लेंगे और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओ, ऐसी गलतियां मैं अक्सर करता हूँ। क्योंकि आज के समय में जहाँ कंटेंट के नाम पर सिनेमा में बस कचरा भरा जा रहा है वहाँ ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती है। स्पेशली मलयालम सिनेमा ने इस बात को समझा है कि सिनेमा बस पैसे कमाने का जरिया नहीं है। सिनेमा का मेन पर्पस ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस देना है जो असल जिंदगी हमें नहीं दे पाती, और आवेशम भी बिल्कुल वही काम करती है। मतलब वास्तविक जिंदगी में बिना मतलब के कोई इतना पावरफुल इंसान तुम पर इतना मेहरबान नहीं होगा जितना कि रंगा इन तीनों पर होता है, पर यही तो सिनेमा की ब्यूटी है। खैर, तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे इस पर बात करनी चाहिए, ऐसा मेरे को अंदर तक फील हुआ। इसलिए मेरे को जो मूवी देखकर फील हुआ उसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इसलिए इसे रिव्यू ना समझकर बस मेरे दिल की फीलिंग समझ लेना जो आवेशम देखने के बाद मुझे कई बार एक्सप्रेस करनी थी लेकिन किसी को बोलने का नहीं है। इसके स्टार्टिंग का आधा घंटा मुझे एकदम नॉर्मल लगा क्योंकि इसकी तारीफ सुन के एक्सपेक्टेशन काफी हाई थे। इसलिए मुझे लगा कि ये भी सुशांत की फिल्म छिछोरे जैसी फिल्म होगी जिसमें कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर किया जाएगा, पर जैसे ही रंगा की एंट्री हुई मूवी ने एक अलग ही मोड ले लिया। और बात सिर्फ एक ट्विस्ट की नहीं है, मूवी हर मोड पर तुम्हें ये फील करवाती है कि रंगा के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि हर आधे घंटे में एक जबरदस्त ट्विस्ट रंगा को लेकर देखने को मिलता है। रंगा शुरुआत में तुम्हें डॉन कम और एक नोटन की बात ज्यादा लगता है क्योंकि उसके लोग जो उसका अधूरा फ्लैशबैक सुनाते हैं उससे उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, और उस पर वो अजीब सी हरकतें भी करता है। वहीं पे वो खुद कभी फाइट नहीं करता और बस इंस्ट्रक्शन देता रहता है। हालांकि रंगा को अपने गुंडों को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखने में मजा तो आता है, और आधे फिल्म की कॉमेडी तो रंगा के इसी सीन्स पर बेस है। पर इन तीनों की तरह हमें भी ये फील होने लगता है कि रंगा एक नंबर का फेकू आदमी है और इसे बस कॉमेडी के लिए ही फिल्म में लिया गया है। पर फिल्म के बीच में इस सीन में जब बहुत सारे लोग उस पर हमला करते हैं तब से मुझे फील होने लगा था कि रंगा के पास्ट में कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि भाई वो बीबी को बचाने के लिए अपने हाथ से तलवार को रोक लेता है और ऊपर से इन दोनों फाइटर को बचाने के लिए भी अपनी गाड़ी को वापस मौत के मुंह में लेकर जाता है। और अपने को लगता है कि रंगा बहुत अच्छा आदमी है और उसे अपने लोगों की कदर है, लेकिन जब क्लाइमैक्स में अपने ही गुरु को रंगा बिल्कुल अपने पास्ट वाले स्टाइल में मारता है तब ऐसा लगने लगता है कि ये वाकई में एक शैतान है जिसका दिल पत्थर का है। ठीक ऐसा ही बीबी और उसके दोस्त भी सोचते हैं, लेकिन जब उसके बाद में उसका पूरा पास्ट दिखता है जिसमें एक्चुअली में पता चलता है कि रंगा बहुत ही इमोशनल है और हर बार जिंदगी में जिसे भी उसने अपना समझा उसी ने उसे धोखा दिया, तब उसकी तन्हाई और दर्द हमें फील होने लगता है। जहां सारी फिल्म में हम इन तीनों की तरफ होती है उसके पास्ट को देखकर अचानक से रंगा की साइड हो जाते हैं। ब्रूटल और विलन रंगा अचानक से कहानी का हीरो बन जाता है, और फिल्म देखते वक्त शायद तुम्हें ये नोटिस नहीं होगा लेकिन रंगा के कैरेक्टर्स के यही लेयर्स मूवी को इतना ग्रेट बनाते हैं। अब यह यंग होने के नाते मुझे इन तीनों से रिलेट करना चाहिए पर ऐसा होता नहीं, उसके उल्टा मैं रंगा से रिलेट कर पाता हूँ मानो जैसे ये मेरी ही कहानी है। और मैं जानता हूँ कि अगर तुमने फिल्म को पूरा देखा है तो तुम्हें भी ये फील हुआ होगा, और यही कहानी का प्लस पॉइंट है। रंगा की दुख भरी जिंदगी जिसमें वो अपने दर्द को कभी भी किसी के सामने खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता और इसी वजह से लोग उसे पत्थर दिल समझने लगते हैं। सोचो अगर इसी कहानी का स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा होता कि शुरुआत में ही हमें रंगा का पूरा पास्ट या फिर उसकी असली पहचान पता चल जाती तो क्या उसके बाद भी ये फिल्म उतनी ही एंटरटेनिंग बन पाती जितनी की आज है? बिल्कुल नहीं। ये फिल्म इतनी अच्छी इसीलिए बन पाई क्योंकि राइटर ने रंगा के कैरेक्टर को इतनी लेयर्स देकर इंटरेस्टिंग बनाया है। जहां शुरुआत के एक्शन सीन में हमें कॉमेडी सिर्फ रंगा के अतरंगी बर्ताव से ही देखने को मिलती है, पर रंगा से हम तब कनेक्ट करने लगते हैं जब हमें ये पता चलता है कि वो इतना बिंदास रहने का बस नाटक कर रहा है और डॉन होने के नाते वो रो नहीं सकता। अब भले ही वो अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर नहीं करता पर फिर भी वो सबको खुश रखना चाहता है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि सिर्फ एक रंगा की बैक स्टोरी ही फिल्म को इतना अच्छा नहीं बनाती। हाँ, अगर हम मूवी के प्लस पॉइंट क्रोनोलॉजिकली सेट करें तो रंगा की बैक स्टोरी गिनती में सबसे ऊपर रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी कई और चीजें हैं जैसे कि कॉमेडी की कॉमिक टाइमिंग। फिल्म देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पर जानबूझ के सड़े हुए जोक या फिर कॉमेडी को घुसाया जा रहा है, जो कि आजकल के फिल्मों में कॉमन चीज होती जा रही है। मतलब सोचो, तुम एक कॉमेडी फिल्म में उस फिल्म का सबसे बड़ा वाला कॉमेडी सीन देख रहे हो और तुम्हें हंसी ही नहीं आ रही है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। आजकल के फिल्मों की यही हालत है, लेकिन आवेश मूवी की कॉमेडी तुम्हें उससे राहत देगी, तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। खास करके फहद फाजिल ने बहुत हंसाया है भाई।
उसके अलावा अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो अगेन फहद फाजिल ने कमाल की एक्टिंग की है। और वैसे भी रंगा मूवी का सेंटर पॉइंट था, यानी मूवी का पूरा भार उसी के कंधे पर था, इसलिए अगर यहाँ पर एक्टिंग सही नहीं होती तो मूवी अपनी क्वालिटी खो देती। लेकिन फहद ने रंगा के कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि मूवी की क्वालिटी को उनकी एक्टिंग और बेहतर बना देती है। उनके अलावा ये गूंगे मार्शल आर्ट वाले दद्दू और रब्बान मूवी में ठीक वैसा ही काम करते हैं जैसा कि सब्जी में चटपटे मसाले करते हैं। मूवी क्लियरली रिश्तों की अहमियत को रंगा के जरिए दिखाने की पूरी कोशिश करती है, जहाँ वो इन तीनों को घर देता है, गाड़ी देता है, रोज दारू और खाना भी देता है। वो इसीलिए क्योंकि इसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, ना उसके पास उसकी माँ है और ना ही उसका भाई, इसीलिए वो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेला है और इसीलिए वो इन तीनों पर इतना मेहरबान है। मूवी कॉमेडी के साथ इमोशन को भी अच्छे से पकड़ कर रखती है। कैरेक्टर्स के अलावा मूवी का प्लॉट इसे बहुत खास बनाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसमें अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो मूवी के पीक पॉइंट है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट का पढ़ाई छोड़ के बदला लेने के लिए दारू बार जाना, वो भी लोकल सपोर्ट के लिए, रंगा जैसे पावरफुल आदमी का इन पर अचानक से मेहरबान होना। और उसके अलावा इस होली वाले सीन में जब रंगा दो तीन लोगों को लेकर आता है तो मैंने एक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, पर यार दादाजी क्या लड़ते हैं। उसके अलावा रंगा की कहानियां सच है, ये बीबी का दीवार का खून और किचन की लाश को देखकर कंफर्म करना और लास्ट में रंगा के अपने पुराने स्टाइल में हाइट करना, ये सब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मूवी हमें पहले बड़े ही चालाकी से किसी चीज पर यकीन करवाती है और फिर कहती है तुम गलत हो। जैसे कि मूवी के लास्ट तक हमें रंगा का एक भी फाइट सीन नहीं दिखा और उसके लोग भी रंगा की कहानियां कुछ इस तरह से सुनाते हैं जैसे कि वो कहानियां फेक थी, इसलिए हमें मूवी के लास्ट तक यही लगने लगता है कि उसका पास्ट एक कोरा झूठ है। पर फिर लास्ट में धीरे धीरे रंगा को लेकर चीजें रिवील होने लगती है और हम गलत साबित हो जाते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वाकई में अगर बीबी ने रंगा पे हमला कर दिया होता तो क्या होता, तुम्हें क्या लगता है, क्या रंगा उन्हें फिर भी छोड़ देता या फिर अपने भाई की तरह ही अपने मुंह बोले भाई बीबी और उसके दो दोस्तों को भी कत्ल कर देता। खैर जो भी हो, ये मूवी सबको इतनी अच्छी इसीलिए लगी क्योंकि कई सालों के बाद इंडियन सिनेमा में एक फुल एंटरटेनमेंट एक्शन कॉमेडी फिल्म बनी है। आवेजन तुम्हें वो फील देगी जो एक टाइम पर गोविंदा की एक्शन कॉमेडी फिल्में दिया करती थी, इसलिए अगर तुम इसे देखने का प्लान बना रहे हो तो इसमें लॉजिक ढूंढने मत बैठना, ये उसके बिना तुम्हें इमोशन, दोस्ती, रिश्तों और पढ़ाई की अहमियत ये सभी चीजें सिखाएगी और मजे भी देगी। बाकी अगर तुमने देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वरना रंगा के साथ तुम्हें पहचान कौन वाला खेल खेलना पड़ेगा।